नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिक मीडिया। दोस्तों, विराट कोहली की बॉलिंग देखकर परेशान है पूरा पाकिस्तान। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी कोहली के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 का आगाज हो चुका है। भारत का पहला सुपर 12 का मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए उनके पसंदीदा खिलाड़ी विराट कोहली एक और खुशखबरी दे सकते हैं। टीम इंडिया अपना आज दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गेंदबाजी भी की है, क्योंकि करनी पड़ी कप्तान विराट कोहली को गेंदबाजी। आपको बता दें कि टी20 विश्व कप में 6वां गेंदबाज टीम इंडिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, फैसला किया है। और दोस्तों, भारतीय टीम का मैनेजमेंट और कप्तान विराट कोहली चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या अपना पूरा फोकस बल्लेबाजी पर करें और आने वाले मैचों में भारत की ओर से 6वें नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी करें। और दोस्तों, टीम इंडिया का रहा 6वें गेंदबाज की तलाश है और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी ना करने से भारत को 6वें गेंदबाज के विकल्प की तलाश बढ़ गई है। आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना दूसरा वार्म अप मैच खेला। इस मैच में भारत के उपकप्तान रोहित शर्मा ने कप्तानी की है। दोस्तों, यह देखकर पाकिस्तान का पूरा मीडिया परेशान है। दरअसल सभी लोगों का यह कहना है कि भारतीय टीम इतना ज़्यादा अच्छी है कि जब हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने तुरंत 6ठे गेंदबाज को तलाश लिया। वहीं पाकिस्तान के सईद अख्तर ने कहा कि विराट कोहली की बॉलिंग देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ और जिस तरह से भारतीय टीम विराट कोहली की बॉलिंग करवा रही है, यह पांड्या का अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली को वर्ल्ड कप में बॉलिंग करनी चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।